नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर भी सवाल उठने लगे हैं। क्या ये वाकई हकीकत है? इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं हमसे वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, क्या ये दिल्ली विधानसभा चुनाव की हार को नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से जोड़कर देखा जाना चाहिए? देखिए जाला जी, जहाँ तक केवल दिल्ली विधानसभा चुनावों का प्रश्न है, वहाँ तो निश्चित तौर पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हार है और करारी हार है। वो चाहकर भी इससे बच नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने खुद सीधे मुकाबले में उतरकर अरविंद केजरीवाल को चुनौती देना शुरू कर दिया था। बल्कि इस मुकाबले को लेकर वो थोड़े असमंजस में भी रहे। शुरुआत में उन्होंने खुद को मैदान में उतारा, फिर खुद कदम पीछे खींचे और बाद में पूरी तरह खुद मैदान में उतर गए, उसके कारण जो भी रहे हों। बल्कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम इस सीधे मुकाबले से इतनी डरी हुई थी कि शुरुआत में जब मोदी वर्सेस केजरीवाल की बात आई थी तो उन्होंने कोशिश की थी कि मोदी वर्सेस केजरीवाल नहीं हो। वो तो कहते थे कि क्या मोदी जी यहाँ के सीएम बनेंगे, आप हमारा मुकाबला मोदी जी से क्यों देखते हैं। तब उनको ये लग रहा था कि मोदी जी की लहर है, इसमें वो हार जाएंगे, इसलिए मोदी जी से सीधा मुकाबला करने से बच रहे थे। उल्टा हुआ कि नरेंद्र मोदी जी खुद सीधे मुकाबले में उतर गए। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उनको फीडबैक बार बार ये मिल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जमीनी स्तर पर बहुत अच्छी नहीं है। इस वजह से भी भले ही वो उतरे हों, लेकिन ये सीधी सीधी उनकी हार है। लेकिन मैं इस हार को और उनकी लोकप्रियता को इस दिल्ली तक सीमित रखना चाहूँगा। इसकी वजह से ये माना जाना कि देशव्यापी जो उनकी लोकप्रियता है, प्रधानमंत्री के रूप में जो देश ने उन पर भरोसा जताया है, उसमें भी कमी आएगी, मुझे इसमें शक लगता है। बड़ा सवाल यह है कि ऐसा दिल्ली में क्या हो गया कि आम आदमी पार्टी ने भाजपा, कांग्रेस, पूरे सभी दलों का सफाया कर दिया? देखिए, इसको लेकर तो बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी भौचक के हैं और सभी इस सोच में पड़े हैं। खुद अरविंद केजरीवाल जी ने शपथ लेने के बाद ये कहा है कि उन्हें खुद इस तरह की सीटों की उम्मीद नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि सीटों की बरसात हो रही है और वो इससे डरे हुए हैं। वे जब ये कहते हैं डरे हुए, क्योंकि ये 70 में से 67 सीटें आना एक डराने वाला ही जनादेश है। मुझे लगता है जिस जनता ने उनके लिए वोट किया उसे खुद उम्मीद नहीं थी, लेकिन जनता कहीं ना कहीं ये मन बना चुकी थी कि उन्हें अरविंद केजरीवाल को जिताना है। देखिए, आंकड़ों के स्तर पर इसका विश्लेषण करें कि 2013 के जो चुनाव थे उसमें 34% के करीब वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। इस बार के 2015 के विधानसभा चुनाव में 32.2% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। इस आंकड़े के स्तर पर देखें तो हमें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर वहीं का वहीं है। लोकसभा चुनाव में उन्हें 44% वोट मिले थे, मतलब 34 से 44 पर जो 10% एक्स्ट्रा वोट उनको मिले थे वो वही वोट था जो कांग्रेस का वोटर था। और कांग्रेस से टूटकर लोकसभा चुनावों के लिए नरेंद्र मोदी जी की नायकत्व की खातिर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ गया था और ये वोटर अब छिटक कर सीधे आम आदमी पार्टी की झोली में जा गिरा था। ये उनकी परिपक्वता है वोट देने वालों की, कि जिन्होंने सोचा कि देश के नेतृत्व के लिए हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए और दिल्ली के नेतृत्व के लिए हमें अरविंद केजरीवाल चाहिए। हालांकि इसमें ये गुंजाइश है, ये संभव है कि यदि चुनाव जुलाई अगस्त में होते तो मोदी जी की जो लहर है वो बरकरार रहती और आम आदमी पार्टी उतनी मजबूत बनके नहीं उभरती। ये आंकड़ों की बातें चल रही, लेकिन हम थोड़ा और गंभीर विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि ये 32% और 34% के परे जाकर भी भारतीय जनता पार्टी की इस करारी हार के कई कारण हैं। कृष्णानगर की जो सीट है जहाँ से किरण बेदी हारी है, जो उनकी मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार थी, एक बड़ा लिटमस टेस्ट है। 2 दशक से वो सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी। डॉक्टर हर्षवर्धन गुप्ता जैसे मजबूत कद्दावर नेता जो पिछली बार मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे और 32 सीटें आने के बावजूद ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, उनकी वो सीट भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी, यदि केवल उस सीट का ही गहराई से भारतीय जनता पार्टी विश्लेषण कर ले तो उनको पता लग जाएगा ऐसा नहीं हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का सारा कमिटेड वोटर उनके पास ही रहा हो, जो कि आंकड़े बता रहे हैं। 32.2 और 34 को देखते हैं तो ऐसा लगता है, लेकिन कृष्णानगर में हमको पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर भी भारतीय जनता पार्टी से रूठा हुआ था, उनसे दूर चला गया था, उनसे नाराज था, संघ का नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, पन्ना प्रमुख जो होते हैं उनको जो पन्ने मिले थे वो पन्ने सही नहीं थे, कई वार्ड प्रमुख एंड समय पर बदल दिए गए थे, उनको बदले जाने से जो नए लोग आए थे वो ऐसे नहीं थे जिनकी जमीनी पकड़ कायम हो। भारतीय जनता पार्टी का कोई जमीनी कार्यकर्ता जब ये बयान देता है हार के बाद कि हमको नहीं पूछा गया, हम घर बैठे हुए थे, हम सालों से यहाँ चुनाव लड़ते और बूथ जिताते आए हैं, लेकिन हमको हमारी सहभागिता नहीं ली गई, तो पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी। क्या दिल्ली चुनाव परिणामों का इस साल होने वाले बिहार चुनावों पर असर देखने को मिलेगा? मुझे लगता है कि सीधा असर नहीं, क्योंकि हर राज्य के अपने समीकरण होते हैं। जैसे दिल्ली एक बड़ा शहर है जहाँ पर सभी तरह की जनता आपस में घुली मिली हुई है और दिल्ली का मिजाज थोड़ा अलग है। दिल्ली को जो हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन शहर है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहाँ पर जातीय समीकरण भी बड़े हावी होते हैं, जाति का गणित, धर्म का गणित भी कई बार अपना काम दिखाता है। और दूसरा, वहाँ पर जो हम वापस देखें कि जो छोटी पार्टियों में बिखरा हुआ वोट प्रतिशत है
वो अगर एकजुट हो जाता है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ी चुनौती होगी, लेकिन बिहार के जीत हार के कारण, दिल्ली के जीत हार के कारण से निश्चित तौर पर अलग रहेंगे। नहीं, कहीं ना कहीं जो केजरीवाल की जीत है इससे क्षेत्रीय दलों को तो ऊर्जा मिलनी है, मिलेगी। लेकिन आप जैसे देखिए कि हरियाणा में मोदी की लहर ने काम किया, भारतीय जनता पार्टी मजबूती से जीती। आप दिल्ली में जिस तरीके से कह रहे हैं कि मोदी जी आए फिर भी हार गए, वैसा झारखंड में नहीं हुआ, वैसा हरियाणा में नहीं हुआ, महाराष्ट्र में भी कम ही सही लेकिन वो सरकार बनाने में सफल हो पाए हैं, जम्मू कश्मीर में उनकी अभी बात चल रही है। वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने जहाँ जहाँ सभाएं ली, आप देखिए झारखंड का गणित है, जहाँ भी उन्होंने रैली ली वहाँ उम्मीदवार जीते हैं। और अभी भी उनकी जो 3 सीटें आई उनमें से 2 जगहों पे तो रैली हुई है, बाकी जगहों पे रैली होने के बावजूद वो नहीं जीत पाए, क्योंकि इतनी बड़ी लहर में कब किसका कहाँ सफाया हो जाए वो कोई नहीं कह सकता। ये बहुत ऐतिहासिक भव्य और असाधारण जनादेश है 67 सीटों वाला, और हमारे को एक बार सिक्किम में ऐसा हुआ था, उसके अलावा ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता कि इतना अधिक बहुमत किसी अकेली, मतलब 54-55% वोट किसी अकेली पार्टी के पास आ जाना बहुत असाधारण बहुमत है। लेकिन इसी असाधारण बहुमत ने यदि मुख्यमंत्री अब बन चुके अरविंद केजरीवाल को डरा रखा है तो निश्चित ही डराने वाला ही है, और इसको इस दृष्टि से भी झाला जी देखा जाना चाहिए। मैं इसका इस रूप में आकलन करता हूँ कि भारत हमेशा से थोड़ा सा एक नायकवादी समाज रहा है, यहाँ एक नायक की तलाश की जाती है जो आए और आपके सारे दुख दर्द दूर कर दे। देश के स्तर पर लोगों ने मोदी जी में ही वैसा नायक पाया, उनको एक नायक के रूप में देखा और उनको जिता दिया। दिल्ली के स्तर पर वो अरविंद केजरीवाल को वैसा नायक देख रहे हैं। आज हम विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत हो चुकी है, वहाँ खड़े हैं, तो उससे सिमिली अगर हम जोड़ें तो हम देखें कि ये ऐसा समाज है जो चाहता है कि महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर जब भी मैदान में उतरे तो शतक बनाकर ही लौटे, उनको वो शतक बनाने के कर लौटने के बाद कंधे पर बिठा के भी घुमाते हैं, लेकिन जब वो उस मैच को हरा देते हैं तो उनके घर पे जाकर अंडे टमाटर भी फेंकाते हैं। तो ये भारत का जो समाज है ये खेल में जीतता हुआ भारत को देखना चाहता है, लेकिन खेल भावना उनमें उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। इसी तरह ये लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी जी हमेशा शतक बनाएं, भ्रष्टाचार और कुव्यवस्था जिसके खिलाफ ये समाज अब निजात पाना चाहते हैं, जिसके खिलाफ लड़ाई की बात कही है अरविंद केजरीवाल मोदी जी ने, उससे तुरंत निजात दिलाएं, और उस स्तर पर अगर ये शतक नहीं बना पाते हैं तो निश्चित तौर पर इनको जनता के गुस्से का सामना भी करना पड़ेगा। धन्यवाद जयदीप जी। दिल्ली चुनाव परिणामों पर हमसे चर्चा कर रहे थे जयदीप जी। अगले सप्ताह फिर किसी नए विषय पर हम चर्चा करेंगे, तब तक के